जाएगी, क्योंकि ये तो हर तरफ से एक कानून बन गया है। जी सर, कानून बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी आवाज़ें फ्रीडम ऑफ फाइट हैं, हम बराबर अपनी आवाज़ों को उठाते रहेंगे। हम अकेले तन्हा भी होंगे, जब भी जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, और आवाज़ें उठ रही हैं, हिंदुस्तान के नए नए इलाकों से आवाज़ें उठ रही हैं, हर स्टेट से आवाज़ें उठ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं, अगर मान लो ये अमित शाह ये कहना चाहते हैं कि ये बिल नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता छीनने का नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये नागरिकता देने का बिल है तो फिर ये लोगों को खुशी क्यों नहीं हो रही? आखिर ये बिल क्यों समझ में नहीं आ रहा? या पूरा हिंदुस्तान पागल है, या वो समझना नहीं जानता? ये समझ में आता क्यों नहीं है? वो कहते हैं नागरिकता देने का बिल है तो फिर पूरे हिंदुस्तान को खुशी होनी चाहिए, ढोल लेकर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन गम क्यों है? क्यों लोग सड़कों पर निकले हुए हैं? ये हिंदुस्तान लोगों से चलेगा। अगर तुम संविधान बनाना चाहते हो तो उसकी ज़मीन पे देखो कि उस संविधान का लोगों पे क्या असर है। इससे संविधान नहीं चलेगा कि वहाँ भी पास हो गए और वहाँ भी उनकी मंजूरी मिल गई। हो सकता है वो उनके आइडिया के लोग हों, उनकी आइडियोलॉजी या क्या मजबूरी उनके सामने है ये वही जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो सड़कों पर, हिंदुस्तान की जो ज़मीन पर बसने वाले लोग हैं, इसको कबूल नहीं करने को तैयार हैं, और उसी के बारे में हिंदुस्तान को सोचना होगा। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी को सिर्फ एक ही मज़हब के या एक ही माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के लोगों ने वोट दिया है तो दूसरों को टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है, और ऐसा ही हो रहा है। आज का हम ये जो चाहते हैं, क्या हम ये नहीं चाहते, हम नए नए कानून नहीं चाहते, बल्कि हमारा नौजवान चाहता है कि हमें नौकरियां मिलें। हमारा पढ़ा लिखा समाज, जो हमारे एजुकेशन वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें नौकरियां मिलें। महिला चाहती हैं क्या हमें प्रोटेक्ट किया जाए, यानी हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो आज इन चीज़ों में ये फेल है सरकार, और अपने सारी चीज़ों को दबाने के लिए सरकार नए नए हरबे ऐसे इस्तेमाल करती है और मीडिया को अपने हिसाब से चलाती है, ये लोग देखते हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। मैं इधर पूर्वी दिल्ली से हूँ, भजनपुरा। इनसे बात करिए। आपको 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 4 करोड़ जॉब वाले नहीं, 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बहुत सर, बहुत मोदी सरकार है, आर्टिकल 370 में लागू करके 9 लाख फोर्स लगा रखी है वहाँ, बहुत मोदी सरकार है। ये मजबूत सरकार अगर होती तो ये मिलिट्री का इस्तेमाल बॉर्डर पे दूसरे लोगों से लड़ने के लिए किया जाता। अगर मजबूत सरकार होती तो मिलिट्री का इस्तेमाल जहाँ, फौज के इस्तेमाल जहाँ, भाग मिलिट्री का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? ये मिलिट्री का इस्तेमाल आज कश्मीर वालों पे कर, जो आपके अपने लोग हैं, मिलिट्री का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? डिब्रूगढ़ में कर रहे हैं, मिलिट्री इस्तेमाल कहाँ गुवाहाटी में कर रहे हैं, अपने लोगों को मारने के लिए। इसका मतलब बहुत कमजोर सरकार। सर, अमित शाह का राज्यसभा में बयान आता है कि मुसलमानों से इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बेमतलब परेशान हो रहे, जो विपक्षी दल है वो उनको भड़का रहे अपनी राजनीति। नहीं, मुसलमानों का लेना देना नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना मुसलमानों से? जब मुसलमानों का लेना देना ही नहीं तो मुसलमानों का नाम हटा दे तुम उसमें से। विपक्षी दल कौन होते हैं? विपक्षी दल, हमें अकल नहीं है क्या? विपक्षी दल किसी ने कह देगा और जाकर तुम डूब मरोगे? अगर तुमको बिल ही लाना था तो तुमने उसके अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन का नाम क्यों लिया? रिलीजियस माइनॉरिटी का नाम लेते, रिलीजियस माइनॉरिटी में सारे आए थे, फिर नेबरिंग कंट्री का नाम लेते। नेबरिंग कंट्री में भूटान नहीं है क्या? नेपाल नहीं है क्या? श्रीलंका नहीं है क्या? प्रताड़ना की बात करते हो, प्रताड़ना क्या हिंदुस्तान में नहीं होती? हिंदू स्टेट कहते हो, सेकुलर स्टेट कहते हो, हिंदू भूगोल स्टेट करते हो, यहाँ हिंदू प्रताड़ना नहीं है क्या? गौरी लंकेश कहाँ मारी गई? प्राइम मिनिस्टर किसको फॉलो करता है? मारने वाले को। कलबुर्गी कहाँ मारा गया? रोहित मुल्ला ने कहाँ सुसाइड किया? गलत है, इसको वापस ले, वरना देश में अफरा तफरी जो मचेगी तो फिर इसको भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमने 3 तलाक का, 3 तलाक लाकर परिवार को फूट डाल दिया। हुजूर, 3 तलाक ये क्या देगा? मुसलमानों में तलाक नहीं है, 3% है वो हर जगह, इंसान जहाँ मर्द और औरत रहता है, बहुत सारे चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और नहीं रहती है, रहती है वो आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं था तलाक का, वो ये क्यों नहीं कहते कि तलाक को क्रिमिनलाइज किया है? तलाक देने वाले को 6 आप है तो 2 साल अंदर रखेंगे, तो उस मर्दाना अपनी बीवी को पैसा कहाँ से देगा? वो तो आप उसको फकीर बना रहे हैं, उसकी बीवी को है तो पैसा आ रहा बना रहे हैं, उसके बच्चे को रोट पिला रहे हैं। तलाक बिल वैसे भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं, ये कुछ भी कर रहा है, सब गलत कर रहा है। तो क्या पूरे हुआ? सबसे पहले खुटाशी अधीक्षक ने किया, जेल कौन गया? कलमाड़ी। कलमाड़ी इसलिए जेल गया कि वो दलित था। शीला जी जेल दी गई, शीला जी जेल जाना था, कांग्रेस मिश्र में गवर्नर बना दिया, गवर्नर पर कोई केस नहीं होता, जब केस हट गया उसको फिर बुला लिया। यहाँ जब पंडित जेल नहीं जाता, यहाँ जेल जाता मुसलमान,
यहाँ जेल जाता दलित, यहाँ मारा जाता दलित। लेकिन सर मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी तो कह रहे हैं इस पूरे जमीन पे जो 4 बिलियन 5 बिलियन की पॉपुलेशन है उसके अंदर का सबसे छोटा कोई आदमी होगा तो पहला नंबर नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा झूठा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, नहीं पैदा होगा इसके बाद। हमें लगता है आखिरी सवाल सर, जो बीजेपी में जो मुस्लिम नेता है सर वो तो जिल का सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान कौन? अगर मुसलमान होता तो बीजेपी में नहीं, मुसलमान ही नहीं। हम कहते हैं मुसलमान नहीं है, अब तो कह दिया हमने आपसे कह दिया कि मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो मुसलमानों के खाद जो मुसलमान वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मुसलमानों के कातलों से खून बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।